ಮಾಡಿದೆ ದೂರ ಚಲೋ अरफान नगर के अंदर खासकर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मैसेज आया, अरफान नगर में कितना बोले तुम्हें, क्या बोले तुम्हें, उनको असर नहीं हो रहा, जो मामूली रोटी जो पिछले को ऐसा खेलने की निर्भर मेहरबानी से मेरे को बीमारी के बारे में समझ ही नहीं। ये बीमारी खाली कर्नाटक के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बीमारी फैली हो। 5 लाख चिल्ला रखना कोई बीमारी लगो है, कितने में को 5 लाख के अंदर 22,000 चिल्ला रखना, 22 से 23,000 रखना मर गई। अब कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये लॉकडाउन कर को करे 21 दिन के लॉकडाउन कर को रखी। लॉकडाउन का मतलब क्या, कर्फ्यू कई के वास्ते लॉकडाउन करती है। अब हुकूमत एक लॉकडाउन का अनाउंस कर लगे तो चुप चुप के करती है। रोज का मतलब कितना करोड़ों रुपए नुकसान होता, मनो करोड़ों रुपए नुकसान होता कि नहीं, खाली कर्नाटक के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर कहा जा रहा है, पूरे इंडिया में लॉकडाउन करी। अब कर्नाटक में लॉकडाउन करने के बाद अब तक 50 किसान कल थे और एक चार के 5 किसान हो गई, इन्हें 7 किसान अब तक हो गई तो, और उसके अंदर मरीजों को 7 किसान के अंदर मरीजों को बोलो मरीजों को इसके अंदर 3 हजार जो मरको ही एक कोरोना वायरस के अंदर 3 भी मुसलमाना मरको ही तो, इन्हें लापरवाही करने की वजह से ये बीमारी जो है खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी समझो तुम्हें अब बाहर है क्या की सामान ले रहे हैं, तुम ना बीमारी लग जाओगे, तुम्हें घर को गए तो तुम्हारे घर के अंदर दर्शन कितनी ही आजू बाजू कितनी ही वो जब पूरा लगता। मेहरबानी से तुम्हारी जान की परवाह करो, घर वाले की जान की परवाह करो। 21 दिन क्या भी बड़ी बात नहीं है, तकलीफों की मानते हो, हमें कभी बैठ को आदत नहीं है। ये चाइना के साथ, चाइना के अंदर तुम्हें देखेगा, चाइना के अंदर माहिरी सो क्या उन्हों ऐसे माहिरी उन्हों हर प्रोडक्ट रेडी कर लेती उन्हों। आज चाइना के अंदर ये बीमारी आ जाको उनके हाथ से कंट्रोल करने नहीं होगो, 4,000 रुपया मर को ही चाइना के अंदर दवा आइडेंटिफाई नहीं हो को है। चाइना जैसा माहिर अब उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल बने उन्हों कंट्रोल करने के वास्ते, कोरोना का हॉस्पिटल जो बने हमें वो हॉस्पिटल बनाना को तो कम से कम 4 साल होता, 10 दिन के अंदर 1,000 बेडेड हॉस्पिटल बने तो भी वहां कंट्रोल को आया नहीं। सऊदी अरेबिया जैसा मक्का मदीना अल्लाह का घर वहां भी कर, यहां भी कोरोना वायरस आने की वजह से वहां भी लॉकडाउन कर को हरम भी बंद है, मक्के मदीना का हरम भी बंद है, मदीना शरीफ का भी हरम भी बंद है, मदीना बंद नहीं। वजह क्या है, ये बीमारी खतरनाक बीमारी है, फैल लाने कर को तुम्हें ये आसानी से तुम्हें मालूम होता नहीं, और ये बीमारी है जो एकदम से मालूम नहीं होता वो तुम्हें, वो बीमारी मालूम होने 14 दिन लगता, वो 14 दिन के अंदर 1,000 रुपये को फैलती मालूम नहीं। अब मंजे एक बीमारी आएगी, अब मैं तुम्हारे बीच में फिर अब बीच में फिर तो मंजे कहेगी लगो भी मैं घर में गया तो मेरे घर में कितने दिन 25-30 दिन ही उनको बीमारी लग जाती है, आजू बाजू पड़ोस वाले को बीमारी लगती है। मेहरबानी से अल्लाह का वास्ता 21 दिन लॉकडाउन करी, ये हुकूमत लॉकडाउन करना बोलते चुप चुप के लॉकडाउन नहीं करते। अब जरा काम की जगह कंट्रोल आ रहा, अब मंजे हमारे इंस्पेक्टर साहब कल रात को फोन करो, मंजे साहब हमारे हत्या को मुसलमाना में खासकर कितना कंट्रोल करे तो कंट्रोल नहीं हो रही, मामूली रूटीन कर रही, तुम्हें मेहरबानी से आप जरा अवेयरनेस करके जाओ करो, इंस्पेक्टर साहब फोन कर रही, तुम्हें देख रही है व्हाट्सएप के अंदर पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रही, पुलिस वाले मान रही, अब पुलिस वाले के जोरों बच्चे नहीं, पुलिस वाले के जोरों बच्चे नहीं, अब सब इंस्पेक्टर का जोरों बच्चे नहीं, कांस्टेबल के जोरों बच्चे नहीं, अब उन्होंने रोड पोतर को ड्यूटी कहीं करनी सुनो क्या जरूरत उनको करने के वास्ते, उनके घर में जोरों बच्चे नहीं, इनकी मकली ला सकेंगे कई गुणों करी सो हमारी हिफाजत के वास्ते, आज लाठीचार्ज कर रही, मार रही कई को मार रही उन्होंने, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या बोले तो नहीं सुनी, क्या ना तुम्हारी तरकारी लेना तो रोज की चीज अफधारी खोको ले लगा को तुम्हारे तुम्हारे घर के अंदर हो, मानते हो ये तकलीफ होती, ये 15 दिन कर्फ्यू मतलब रोज को कुली करने वाले मजदूरी करने वाले तकलीफ हो रही। गवर्नमेंट जी इसके बारे में सोच रही, हमें लोग आगे भाई अल्ताफ खान साहब भी चाहती है करना तो हमें भी सोच लेके, मगर करेंगे कि इंशाल्लाह हमने क्या डर करना क्या भी नहीं। अब एक राशन की किट मना को दे लेंगे, अब राशन की किट मना को दे तो उसके अंदर क्या तो बीमारी आएगी तो खुदा ना करे तकलीफ होती है, सोच रही हर तरीके का मैं सोच रही। मेहरबानी से ये बीमारी खतरनाक बीमारी है, आसानी बीमारी चल रही है, तुम्हें सोचे सका नहीं है, अल्लाह के वास्ते घर से निकलो लोगो, और ये बीमारी मालूम होती नहीं तुम्हें लगो रही तो बीमारी वो 15 दिन के बाद मालूम होती सो। और मेरी आवाम से भी एक आजी जाना गुजारी तुम्हें कौन भी ये बखार तो रूटीन मामूली हो, बखार हर आदमी को आती है, बखार आपको क्या करती सर्दी बखार साल में एक बार आती है, वैसी ये सर्दी बखार को तुम्हें समझे लोगो तुम्हें सर्दी बखार क्या तुम्हें आती है, मेन गले में खराश हो तो समझो ये कोरोना वायरस का है, वो नजदीक के डॉक्टर को जाकर बुला ले को जाकर दिखा रहा तुम्हें
मेहरबानी से आप निकलने के बाद कर्फ्यू लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होना, करती की नहीं करती, किसके वास्ते करी चाहिए, किसके वास्ते करी, अब आना जरूरत की चीज आई ले लेना, खर्च पूछ लेना। अब हमारे एक्ट की वजह से हजारों आदमियों को तकलीफ होती ना, हजारों आदमियों को तकलीफ होती, तुम्हारे घर वाले अगर सोचो तुम्हें सीख लेगा, नहीं भाई मैं बाहर जाता था, मैं जाको आया क्या भी नहीं, मैं अच्छा ताजा हुए को वो मालूम नहीं होता, वो तुम्हारे घर वाले को पूरा को फेंकती, बाजू वाले को भी फेंकती। मेहरबानी से ये 15 दिन के वास्ते 14-15 तारीख तक मेहरबानी से तुम्हारे तुम्हारे खराब में रहो, इंशाल्लाह जाके हमें भी तकलीफ है उसका क्या है करना, इंतजाम कर देगा भी हमें लोगों सुनने में देखेंगे, पहले जान बचको रही तो ना हमारी, जान बचको रही तो ना भी हमारी मेहरबानी। अरफात नगर के अंदर ही ज्यादा 1800 नहीं कहता बोले तो मैं सुन रही नहीं, कौन बोले तो सुन रही नहीं, आज 3 हजार मरीज कहीं तो उतना पाबंदी कर को उतना लॉकडाउन कर को उत्ती कर्फ्यू मर को मरीज को मरने वाले 3 भी जो है मुसलमान भैया कहीं के मुसलमान भैया, और ये मौत जो है और एक तो ना बोलता हूँ ये दुश्मन को भी ये मौत आना नहीं, ये खतरनाक मौत इसके अंदर कोरोना के अंदर मौत हुई तो हम ना उसूल देते नहीं, जनाजे की नमाज नहीं दफनाते नहीं, लज्जा को जलाती ऐसी मौत न होना के लिए पापा जी करना की नहीं हमें लोग पापा जी करना की नहीं करना, खुदा ना करे बोलो उसमें या अवेयरनेस ना उसमें लगा को खुदा ना करे ये कोरोना के अंदर को तुम मर जाते हो ना उसकी जनाजे की नमाज ना तुम्हारे फैमिली मेंबर्स आपको तुम ना देख सकती ना दीदार कर सकती ना तुम्हारे बच्चे आपको दीदार कर सकती तुम्हारे जो बीवी आपको दीदार कर सकती तुम्हारी अम्मा आपको दीदार नहीं कर सकती, यानी कौन भी उसे देख सकते नहीं उसे गवर्नमेंट से लेने को जाको काम किए जना जलाने का इंतजाम करी, ऐसी मौत होना होना ऐसी मौत होना की भी हमना होना क्या बाबू हमना। मेहरबानी से हमें अपने आप को अच्छा मैं आना नहीं अपना जो कंट्रोल नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब फोन करे साहब यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, मेहरबानी से तुम्हें आगो जो करने के वास्ते आगो हो मेहरबानी से 15 दिन के वास्ते लॉकडाउन को तो लॉकडाउन तुम्हें तुम्हारे लोग आगे घर में रहना, निकलो घर में निकलो खंडे जाने आप ऐसा इंस्पेक्टर साहब भी कुछ चले जाओ ये पहले साहब आपको बोले सब पूरे चले जाओ बाबू निकलो